मैंने लॉकडाउन की शुरुआत में ना इडली सांभर बनाया था, उसमें से सांभर बच गया था, तो मैंने अगले दिन क्या किया, बड़े और सांभर बना लिया। अब उसमें से बड़े बच गए तो मैंने अगले दिन दही बड़ा बना लिया। अब उसमें से बच गई दही तो मैंने क्या किया, अगले दिन पापड़ी बना के पापड़ी और दही की चाट खाई। अब उसमें फिर से पापड़ी बच गई तो मैंने आलू उबाल के आलू और पापड़ी की चाट बना के खा ली। अब उसमें से उबले हुए आलू बच गए तो मैंने अगले दिन फिर आलू का पराठा दही के साथ खाया। फिर दही बच गई तो मैंने दही और बूंदी का रायता बना लिया। बूंदी बच गई तो मैंने बूंदी और सेब को मिला के बढ़िया से भेलपूरी बना ली। अब उसमें से बच गए थे सेब, मैंने सेब को टमाटर की प्यूरी के साथ मिला के बढ़िया से सब्जी बना ली। टमाटर की प्यूरी बच गई तो अगले दिन मैंने उसका सूप बना के पी लिया। अब सूप भी बच गया था तो मैंने सूप को वेज बिरयानी में मिला करके बढ़िया से टेस्टी से बिरयानी बना ली। फिर बिरयानी की सब्जियाँ भी बच गई तो मैंने सब्जियों को आटे में गूंथ के बढ़िया सी रोटियाँ बना ली दाल के साथ। अब दाल बच गई है, सोच रही हूँ इस दाल का सांभर और इडली बना दूँ। आगे तो फिर आपको पता ही है क्या बनेगा।